चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी। सीबीआई की छवि आजाद तोते की तरह होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोशिश हो गिरफ्तारी में मनमानी ना हो, सीबीआई को निष्पक्ष होना चाहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए 11 साल पहले इस तरह की टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और एक बार फिर से सीबीआई की छवि आजाद तोते की तरह होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही गई थी। कोशिश हो गिरफ्तारी में मनमानी ना हो, यहां पर सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने की सीबीआई पर यह सख्त टिप्पणी। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोनों में फर्क होना चाहिए, किसी भी तरह का एक दूसरे पर दबाव नहीं होना चाहिए। फिलहाल जैसे ही जमानत मिली उसके बाद की है, तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। देखिए पहली तस्वीर जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास की, ये तस्वीरें हैं जहां पर मनीष सिसोदिया मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रही है जहां पर जैसे ही ये सुनवाई चल रही थी, इसे ऑनलाइन देखा जा रहा था मनीष सिसोदिया आतिशी द्वारा, और जैसे ही उन्हें जमानत मिली तो देखिए किस तरह से गले मिलते हुए दोनों नजर आए। और साथ ही यहाँ पर ये बड़ी खुशखबरी आम आदमी पार्टी के लिए है, बड़ी राहत की बात आम आदमी पार्टी के लिए है। कई बार जमानत की याचिका दायर की लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी, और अब जाकर ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, आतिशी यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आ जाएंगे, और एक दूसरे के गले मिलते हुए यहाँ पर, ये बड़ी खुशी की बात आम आदमी पार्टी के लिए। हरियाणा चुनाव से पहले अब जमानत मिली है, और ऐसे में इसे बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी। कई मुश्किलें यहां पर खड़ी हुई, चाहे मनीष सिसोदिया को लेकर हो, देखिए शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन पर बादल जो हैं मंडराते नजर आए थे, काले बादल संकट के, और अब धीरे धीरे वो छटते दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राहत मिली, संजय सिंह को राहत मिली, और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुशी की लहर एकदम आम आदमी पार्टी के अंदर दौड़ पड़ी, और देखिए यहां पर बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं लगातार। और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे, कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, सरकारी फाइल पर साइन ना करें जैसे, और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं।